अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द टाइप 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस किस्म की फंक्शंस का इंटीग्रेशन आज के लेक्चर में हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इन फार्मूलाज की तरफ। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर है टेंजेंट इनवर्स एक्स की, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डेरिवेटिव में प्रूव कर चुके हैं कि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमारे पास एक फार्मूला ये होगा। दूसरा फार्मूला ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये बराबर होता है 1 ओवर ए इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए। तो इसको हम आज के लेक्चर में हम इस फार्मूला को प्रूव करेंगे। ये फार्मूला ऑलरेडी हम डेरिवेटिव में प्रूव कर चुके हैं, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब इस फार्मूला की तरफ आती है कि ये फार्मूला इसके क्यों बराबर है। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर हम सपोजिशन करेंगे कि एक्स स्क्वायर हम एक्स हम बराबर लेंगे ए टेंजेंट थीटा की। लेट एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा हम लेंगे। अब डी एक्स की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए टेंजेंट थीटा। एक्स का डेरिवेटिव है 1, ए अपनी जगह पर आ जाएगा और टेंजेंट का डेरिवेटिव है सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा है डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी एक्स डिवीजन में है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स की जगह हम लिखेंगे ए टेंजेंट थीटा और डी एक्स की जगह लिखेंगे ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस, अब स्क्वायर होल पर है तो ए पर अलग लिख लेते हैं और टेंजेंट पर अलग लिख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ पर रह जाएगा 1 और यहाँ पर रह जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये तो हमें ऑलरेडी मालूम है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। इज इक्वल टू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय ए स्क्वायर इनटू यहाँ पर भी आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा विल बी कैंसल विद सीकेंट स्क्वायर थीटा और ए विल बी कैंसल विद स्क्वायर। तो यहाँ पर रह जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर ए डी थीटा। 1 ओवर ए कांस्टेंट है, इसको आगे ले आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। 1 ओवर ए डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो होगा थीटा प्लस सी। अब थीटा की जगह वापस थीटा की वैल्यू फुट कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यहाँ पर ए मल्टीप्लीकेशन में है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो डिवीजन में आ जाएगा और टेंजेंट जब इस साइड पर शिफ्ट होगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा। मतलब ये कि इस इक्वेशन से हम अगर थीटा की वैल्यू मालूम कर ले तो इसका थीटा का वैल्यू होगा टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, टेंजेंट इनवर्स एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी। ये हमारे पास हमारी प्रूफ का राइट हैंड साइड है। सी तो हम हर फार्मूला के साथ हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं। तो ये था इस फार्मूला का प्रूफ। अब इस फार्मूला की मदद से एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 16 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 16 की जगह हम लिखेंगे 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये हमारे पास बिल्कुल इसी तरह का फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, ए की जगह यहाँ पर है 4,
तो 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो यहां पर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, 1 ओवर a यानी 1 ओवर 4 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाय a यानी x डिवाइड बाय 4 और प्लस c, इसका आंसर है। इस फार्मूला को यूज करके हम क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर x प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं इस फार्मूला की मदद से। यहां पर हम सपोजिशन लेंगे यानी cos x की जगह हम पुट करेंगे t, लेट cos x इज इक्वल टू t। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, d बाय dx ऑफ cos x इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ t। cos x का डेरिवेटिव है माइनस sin x और t का डेरिवेटिव है dt बाय dx। अब dx डिवीजन में है, इस साइड पर शिफ्ट होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इज इक्वल टू dt। अब यहां पर sin x dx तो मौजूद है लेकिन माइनस मौजूद नहीं है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस, तो यहां पर इससे बनेगा sin x dx और इज इक्वल टू यहां इससे बनेगा माइनस dt। अब विल यूज यहां पर पुट कर लेते हैं, sin x dx की जगह हम पुट करेंगे माइनस dt डिवाइड बाय cos x की जगह पुट करेंगे t स्क्वायर अपने जगह पर आ जाएगा और प्लस 1। माइनस को आगे ले आते हैं 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, इसको हम t स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं और 1 प्लस t स्क्वायर भी लिख सकते हैं dt। अब देखिए यहां पर ये एग्जैक्टली ये फार्मूला बना रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx, ये बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स x के। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, ये बराबर होगा टेंजेंट इनवर्स t के और प्लस c। अब t की जगह वापस t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टेंजेंट इनवर्स t की वैल्यू हमारे पास बराबर है cos x की प्लस c। t की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है cos x। ये था हमारे पास एक क्वेश्चन जो हमने इस फार्मूला की मदद से सॉल्व किया। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने इन टू टाइप्स के फंक्शंस का इंटीग्रेशन मालूम कर लिया। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में इसी तरह की और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आज के लिए इतने ही काफ़ी है, शुक्रिया।